और जो नवनियुक्त हमारे तीन डिस्ट्रिक्ट के ऑब्जर्वर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में तीन तीन ऑब्जर्वर्स जैसे आपको मालूम है, आज उनकी एक रिव्यू मीटिंग हमने यहाँ पे आयोजित की है, क्योंकि पिछले एक डेढ़ महीने में लगातार हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस दौरान चलती रही, चाहे वो सामाजिक मुद्दों पे हो, चाहे दिल्ली की जनता की समस्याओं के बारे में हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, मटका फोड़ का कार्यक्रम हो, नीट का जो हमारा विरोध प्रदर्शन था वो रहा हो, या माननीय राहुल गांधी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पेड़ लगाने का कार्यक्रम रहा हो, और इसी दौरान हमने ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का भी लगातार हम काम करते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर हमारी रिव्यू मीटिंग थी, जिसमें हमारी ब्लॉक की जो मंथली मीटिंग शुरू हुई है, डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी मंथली मीटिंग शुरू हुई है, उनके ऊपर हमने आज रिव्यू लिया है, और मुझे खुशी है कि बहुत पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो अब आ रही हैं। हमारा जो संगठन है पूरे एकजुट होकर आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार नज़र आता है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक समस्याओं की दिल्ली की बात है, मैं समझता हूँ मुख्यतः ज़रूर महंगाई और बेरोजगारी तो है ही है, इसके साथ साथ चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनीज़ की समस्याएं हों, चाहे वो रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ की समस्याएं हों, या जहाँ झुग्गी वहीं मकान देने की बात हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे दिल्ली में हैं, चाहे वो पानी सप्लाई की बात हो, या पानी का ठहराव की बात हो, या डेंगू की समस्याओं की बात हो, या हॉस्पिटल जिस तरीके से फेल हुए उनकी बात हो, वो सारे मुद्दे हमारी नज़र में हैं, समय समय पर हम उनके ऊपर चर्चा करते रहते हैं, और जल्द ही हमारे जो संगठन का काम है उसी में हम मैनिफेस्टो की कमेटी भी बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं, उसको किस तरीके से उसकी वर्किंग होगी एक डिटेल्ड उसका प्लान हमारे पास तैयार है, जिसके तहत हम विभिन्न मीटिंग्स और लोगों तक पहुंचने का कार्यक्रम चलाएंगे, उससे भी आपको समय पर अवगत कराएंगे। मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि आज ज़रूरत ये है कि हम जो जनता जिसने इन सरकारों को चुनने का काम किया था, आज वो ही जनता के प्रति बेरुखी का एक व्यवहार उनके साथ जिस तरीके से कर रहे हैं, या मैं कहूं कि जिस तरीके से, या चाहे केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, जो एक एटीट्यूड उनके अंदर आ गया है, जो एक घमंड मैं कहूंगा क्योंकि लगातार ये जीतते रहे हैं, तो वो अब टूटने वाला है। जनता ने तय कर लिया है, जनता का जो फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव है कांग्रेस के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाला समय, कांग्रेस का जो स्वर्णिम समय था माननीय शीला दीक्षित जी के समय का, उसको लोग याद कर रहे हैं, और निश्चित ही एक आस भरी उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। देखिए, हम इस ओर पूरा हमारी नज़र है, और इस बात के लिए हमने पहले भी चेताया भी है, इसके ऊपर भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक पूरा कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसके तहत जो बढ़े हुए बिल हैं उनको वापस करने की मांग की जाएगी। इसके साथ साथ डेंगू के बहुत सारे, आपने देखा होगा कि जिस तरीके का ट्रेंड अभी आया है वो बहुत भयावह है, और मुझे लगता है कि इन सरकारों को जागना चाहिए, इन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। सर, जो आज की मीटिंग थी उसका क्या उद्देश्य रहा? आज की मीटिंग हमारे जिला प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं भाई देवेंद्र यादव जी, उन्होंने बुलाई थी। वो इसलिए बुलाई गई जो हमारे जो सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सारे इकट्ठे होकर हमारे ब्लॉकों में क्या काम चल रहा है, काम कैसे करें आने वाले चुनाव के अंदर, उसको कैसे मुस्तैदी से हम उसको उठा के लेके जाएँ, और कैसे अपने जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट तक कैसे पहुँच पाएँ, उन सबको एक चर्चा हुई है। चर्चा के अंदर सबसे बताया गया कि भाई हमने किस तरह से काम कर कर अपने इसको अपने प्रदेश को और अपना डिस्ट्रिक्ट को कैसे मजबूत करना है, इस विषय में मीटिंग हुई गई है। सर, इसका क्या निर्णय रहा? अब निर्णय अभी मीटिंग चल रही है, निर्णय होगा मीटिंग में। यही निर्णय यही है कि अभी हमने किस तरह से डिस्ट्रिक्ट को मजबूत करना है, ब्लॉक को कैसे मजबूत करना है, आने वाले चुनाव के अंदर हमारी क्या उसमें कैंडिडेट रहेंगे, कौन से किनको लगना चाहिए, कौन कौन आके हमारे इसमें काम करेंगे, इस तरह की चर्चाएँ हैं। जो लोग अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको अगर टिकट भी दी जाए और आगे काम भी किया जाए उनके साथ मिलकर, और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक मजबूत होंगे तभी हम आप चुनाव लड़ सकते हैं।